मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा। अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले मामले में फरवरी से ही जेल में बंद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर किया था। आज याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सिसोदिया के तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एबीएम भट्टी की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और ईडी के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच के लिए किए जा रहे मामले पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और सिसोदिया के खिलाफ मामलों में संबंध में सीबीआई और ईडी ने सवाल भी पूछे। आखिर आपको समझना चाहिए मनीष सिसोदिया पर आरोप क्या है। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा, मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और घोटाले में उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें आरोपी बनाया गया। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार होने वाले सिसोदिया इकलौते नेता नहीं है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सत्येंद्र जैन भी जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही याचिका पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन अदालत ने इस बात का निर्देश दिया कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को 6 से 8 महीने के अंदर ही पूरा करना होगा। अगर मुकदमा पूरा नहीं हुआ, अगर यह प्रक्रिया धीरी चली, तो सिसोदिया 3 महीने के भीतर फिर से जमानत याचिका के लिए कोर्ट आ सकते हैं। अब यह देखना होगा क्या सिसोदिया फिर 3 महीने के बाद अदालत पहुंचेंगे। यह शो प्रोड्यूस किया था हमारे साथी सैफुल हक ने, कैमरामैन अफजल शेख के साथ मैं साहिल खान। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी हुआ।